लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने पर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता पावर और पद के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने इस बार पार्टी के लोकसभा चुनाव में अच्छी लड़ाई लड़ने का भरोसा जताया है। मीडिया से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ये कहना सही नहीं कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। मैं उन लोगों से मिला हूं जिनके पास अनुभव है। अभी ऐसे सीनियर नेताओं को लगता है कि उन्हें पावर या टिकट या सीट की जरूरत है, लेकिन वे इसके लिए कोशिश नहीं करते। इसके लिए प्रयास की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि आपकी पहचान मंत्री होने पर आधारित है, और यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई दूसरी पार्टी ऑफर करती है तो साथ छोड़कर चले जाएं। वाड्रा ने आगे कहा कि एक विरासत है, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। जब वे पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ है तो उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भले ही उन्हें कठिनाई महसूस हो या सत्ता में वापस आने में लंबा समय लगे, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। हम उनसे नाराज नहीं होते, हम उन्हें अच्छे भविष्य के लिए विदा करते हैं, लेकिन लोग देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके लिए किसी पार्टी विशेष की विचारधारा मायने नहीं रखती, बल्कि जहां सत्ता या पद मिलता है वहां चले जाते हैं। उनके लिए सिर्फ पद मायने रखता है। दरअसल वाड्रा से पूछा गया था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह, रमनीत सिंह, बिट्टू और गौरव वल्लभ जैसे कुछ प्रमुख चेहरों ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा, कुछ नेता चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या क्या किया। उन्हें लगता है कि पद और पहचान होनी चाहिए, इसलिए जब उन्हें टिकट नहीं मिलता या कोई अन्य पार्टी ऑफर देती है तो वो चले जाते हैं। हम वर्षों से ऐसे नेताओं के आने और जाने के साक्षी रहे। जब समय बदलेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस लौटेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक और गांधी परिवार अपनी आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम एक अच्छी लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। हम लोगों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और जो लोग बदलाव चाहते हैं वे हमारा समर्थन करेंगे। हम महिला सुरक्षा, बेरोजगारी और विकास पर बात करेंगे। वाड्रा ने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पहले सांसद बने, उसके बाद ही मैं बनना चाहूंगा। हमेशा चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पहले सांसद बने और वो संसद पहुंचे, और फिर मुझे लगता है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी मेहनत से सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से सांसद बनाना चाहिए। उन्होंने आगे जोड़ा, मैं ऐसा इसलिए भी कहूंगा क्योंकि मैं इतने लंबे समय से लोगों से मिल रहा हूं और अन्य दलों के सांसद भी से मुलाकात कर रहा हूं, और जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे प्यार करते हैं और प्यार से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी से आए और आप इतना समय क्यों ले रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप भारी अंतर से जीते। वाड्रा ने यह संकेत दिया कि वो सही समय पर सक्रिय राजनीति में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि देश में अलग अलग जगहों से निमंत्रण आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, आप हमारी तरफ से आएं और हम आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि पार्टी लाइन से हटकर मेरे कई लोगों से दोस्ती भी है। वो मेरी मेहनत देखते हैं, समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप संसद में होंगे तो जवाब देंगे और उसे बड़े मंच पर जगह मिलेगी। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा क्या सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो कब और क्या लंबी पारी खेलने के लिए। क्या इसी लोकसभा चुनाव में वो बाजी मार सकते हैं या फिर उन्हें और भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।